हेलो दोस्तों, तो गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी ऑर्गेनिक 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है और 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट नंबर 2। अगर आप पार्ट नंबर 1 देखकर नहीं आए हो तो भैया, इस क्लास को आपको नहीं ज्वाइन करना है, पहले आपको पार्ट नंबर 1 देखना है। तो सर, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर भाई देख लो, है ना। क्योंकि पार्ट 1 पढ़ लोगे ना तो इस पार्ट में आपको मज़ा आने वाला सर, मज़ा आने वाला है। बट पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो फिर सर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले पार्ट नंबर 1 देख आओ भाई, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख लो, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 है मेरे भाई, और इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सर फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है आज का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। भाई क्रियात्मक समूह और जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें पता होना चाहिए संयोजकताएं। किसी तत्व पर कितना आवेश होता है, किसी तत्व की कितनी संयोजकता होती है, वो हमें पता होना चाहिए। उसी टाइप के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हम सीख जाएंगे तो फॉर्मूले बनाना हमारे लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह नाम का टॉपिक जो है ना, हम समझते हैं, है ना, हम समझते हैं, क्लियर है। चलो आगे हम देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, क्रियात्मक समूह के टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा मैं हल्की चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ जो पिछली वीडियो में हमने जानी थी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक समूह जाना था जिस समूह का नाम है एल्किल समूह, ठीक है, एल्किल समूह, ये जाना था ना। और हमने ये जाना था कि सर एल्किल समूह है, इसका प्रत्यय क्या होता है, सर इल, एल्किल बोला ना, एल्किल मतलब प्रत्यय क्या आ रहा है भाई, इल आ रहा है ना, एल्किल प्रत्यय इल आ रहा है ना, ठीक है। इसका सूत्र था सर CnH2n+1, मतलब इसमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से एक अधिक होता है, ठीक है। इस श्रेणी में हमने देखा था हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से एक अधिक होता है इस श्रेणी में। और हमने ये जाना था कि इस श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होता है सर, है ना, कौन सा बॉन्ड होता है सर, सिंगल बॉन्ड होता है इस श्रेणी में। ये चीज़ें हमने जान के रखी थी पिछली क्लास में, ठीक है ना। चलो, इसके कुछ यौगिक बनाए थे, तो हमने बनाया था एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होना चाहिए श्रेणी में, दुगने से एक अधिक। तो एक कार्बन है तो दुगने से एक अधिक कितना, एक का दुगना 2, और 2 से एक अधिक सर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, इसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा। इसका नाम क्या होगा, तो एक का नाम क्या था सर, मैथ, एक का नाम क्या था सर, मैथ था, लेकिन एल्किल श्रेणी का होने के कारण मैथ में इल जुड़ गया था, सो ये बन गया था मैथिल, क्या बन गया था सर, मैथिल बन गया था। इसी प्रकार C2H5 सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के लिए क्या था सर, एथ था, क्या था सर, एथ, लेकिन ये एल्किल का था तो एथ में इल जुड़ गया था, सो बन गया था ये एथिल, ठीक है। 3 कार्बन थे तो हाइड्रोजन कितने थे सर, 7 थे, ठीक है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड था, इसका नाम क्या बन गया था सर, 3 कार्बन को क्या बोलते थे, प्रोप, और एल्किल होने के कारण प्रोप में इल जुड़ेगा तो ये बन जाएगा प्रोपिल, क्या सर, प्रोपिल, ठीक है। C4H9 4 को क्या बोलते थे सर, ब्यू, है ना। तो ये आपको दिख नहीं रहा था बट आप एडजस्ट आप कर पाए होंगे, C4H9 ब्यूटिल, ठीक है, ये हमारा एल्किल समूह था। और एक विशेष बात और समझ लो दोस्तों, जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह को हम R से व्यक्त करते हैं, किससे सर, R सिंगल बॉन्ड से, R सिंगल बॉन्ड से हम व्यक्त करते हैं एल्किल समूह को। और R सिंगल बॉन्ड की जगह मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये कुछ भी रख सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इस R सिंगल बॉन्ड की जगह ये सब हम रख सकते हैं, ठीक है ना, सब चीज़ें हम रख सकते हैं। R की जगह CH3 भी रख सकते हैं, C2H5, क्योंकि R का मतलब क्या है, एल्किल, R का मतलब क्या है, एल्किल, R मतलब एल्किल, ठीक है ना। चलो, और दोस्तों हम एक क्रियात्मक समूह एल्किल वाला समझ गए, अब हमें दोस्तों एक चीज़ और समझना पड़ेगी, जो चीज़ है हमारी बेंजीन, क्या है सर, बेंजीन, ठीक है। अब ये बेंजीन क्या होती है इसको हम समझेंगे। देखो इधर दोस्तों, जो बेंजीन होता है ना मेरे भाई, बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है सर C6H6, ये आपका बेंजीन होता है, समझ पा रहे हो ना। बेंजीन का सूत्र क्या होता है सर, C6H6 होता है हमारा बेंजीन, ठीक है ना। अब बेंजीन को सर हम कैसे लिखते हैं,
क्या बेंजीन को ऐसे ही लिखते हैं, कोई अलग तरीका भी है सर बेंजीन को लिखने का? तो मेरे भाई एक तरीका है बेंजीन को लिखने का, वो समझो आप कैसे। देखो मेरे भाई, बेंजीन को अगर हम इस टाइप से ना लिखें तो एक बंद संरचना में हम बेंजीन को बना सकते हैं। बंद संरचना में कैसे? देखो हम देख पा रहे हैं कितने कार्बन है, 6, और कितने हाइड्रोजन है, 6, है ना। तो इसको हम एक बंद संरचना में लिखते हैं ऐसे, CH सिंगल बॉन्ड 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 CH। ये बंद संरचना में हम बेंजीन को भाई इस टाइप से लिखते हैं। आज के बाद इसको ध्यान रखना, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। इस बेंजीन को हम एक बंद संरचना में लिखते हैं इस टाइप से। बट मेरे भाई जब हम बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, देखो आप 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 दिख गए। बट यहाँ पर हम देखें कार्बन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। देखो हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं कार्बन की संयोजकता सर 4 होती है। कितनी होती है सर कार्बन की संयोजकता? 4। क्या इसमें सही संयोजकता 4 आपको दिख पा रही है? बिल्कुल नहीं। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कार्बन की संयोजकता 4 गिनना मतलब उसके चारों ओर हमें 4 गिनना, ठीक है। चारों ओर कितने गिनना? 4। देखो इस कार्बन की, देखो इस कार्बन के चारों ओर अगर देखें तो 2 बॉन्ड लगे, 1 इधर और 1 इधर। तो कार्बन की संयोजकता बॉन्ड से कितनी हुई है? 2, और 1 लगा हुआ एच। तो एच से कितनी मिलती है कार्बन को संयोजकता? 1 मिलती है, 1 एच से 1 मिलती है। तो इस कार्बन के चारों ओर 2 बॉन्ड और 1 एच लगा, मतलब इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है? 3 हो रही है। चलो इसकी देखो, तो इसके चारों ओर कितने बॉन्ड लगे? 2, 1 इधर 1 इधर, 2 और 1 एच द्वारा कितनी हो रही है? 3। इसकी देखो, इसके चारों ओर कितने लगे? 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 2 और 1 एच द्वारा 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रत्येक कार्बन की जो बैलेंसी हो रही है वो 3 हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है 3 हो रही है। बट कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है सर? 4 होती है। तो हमें 4 बॉन्डिंग करना जरूरी है, संयोजकता हमें पूरा करना बहुत 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 जरूरी है। संयोजकता नहीं करेंगे पूरा काम नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। चलो तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो इससे कौन कौन पूरा संयोजकता 4 हो गई। देखो इधर इस कार्बन की देखो, तो इसके चारों ओर 2 इधर है 1 बॉन्ड इधर है, तो कितने बॉन्ड हो गए? 3 और 1 एच 4 हो गया। इस कार्बन के देखो, इस कार्बन के चारों ओर 2 बॉन्ड इधर है 1 बॉन्ड इधर है, 3 और 1 एच 4 हो गया। इसके चारों ओर अभी 3 ही है, इसके चारों ओर अभी क्या है? 3 है, ठीक है। इसके चारों ओर भी क्या है? 3। तो देखो दोस्तों, अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें तो देखो इसकी बैलेंसी बिगड़ जाएगी। देखो इसकी बैलेंसी बिगड़ जाएगी, 2 और 2 4 और 1 एच 5। इस कार्बन के चारों ओर अब कितने हो गए? 5 हो गए ना इस कार्बन के चारों ओर, 2 इधर 2 इधर, 4 और 1 5। तो हम डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगाएंगे। तो हम डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे भाई? यहाँ लगाएंगे। जब यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये और ये कार्बन बैलेंस हो जाएगा। फिर हम डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा सकते, फिर हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ लगाने से ये और ये बैलेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा भाई इतना सा है कि जो बेंजीन होती है, इस बेंजीन में एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाए जाते हैं। जैसे डबल बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिया, फिर आप इसको छोड़ दो, यहाँ लगा इसको छोड़ दो, इसके यहाँ लगा दिया, फिर इसको छोड़ दो, यहाँ लगा दिया, फिर इसको छोड़ दो। तो ऐसे एक छोड़ के बेंजीन में डबल बॉन्ड लगाए जाते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, आप थोड़ा सा है ना पेशेंस बना के भाई बैठे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चल रही है, है ना, सीख रहे हो आप एकदम बेसिक से, ठीक है ना। तो यहां से ये बेंजीन को आप C6H6 ऐसा ना लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, समझ रहे ना। अब यहां से एक बात हमारी सिद्ध हो रही है, यहां से एक बात सिद्ध हो रही है कि बेंजीन में भाई 3 होते हैं सर, 3 होते हैं डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। कितने डबल बॉन्ड होते हैं सर? 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3, है ना। और एक बात और याद रखो, एक बात और याद रखो कि बेंजीन में 3 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं सर, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। भाई आप कहोगे सर आप क्रियात्मक समूह पढ़ा रहे थे, बट ये क्या चीज़ पढ़ाने लगे? बेटा आप क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले इन चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर नहीं होगा ना तो आपका क्रियात्मक समूह क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इनका नॉलेज होना चाहिए, इस चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हम पहले इसको लेके रख रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये समझ गए ना, अब एक और चीज़ समझो, ठीक है। तो बेंजीन में हम सीख गए 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन का सूत्र C6H6, इसको
ऐसे लिखते हैं, बेंजीन में एक छोड़ के हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, अगली कहानी सुनो। अब बेंजीन को दोस्तों अगर हम ऐसे ना लिखें, ठीक है, ऐसे ना लिखें तो बेंजीन को हम इस टाइप से, देखो बेंजीन में कितने कार्बन है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और देखो प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है, कार्बन। एक यहाँ कॉर्नर है कार्बन, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है, कार्बन। तो यदि बेंजीन को आप ऐसे ना बनाना चाहो तो बेंजीन को आप बना सकते हो ऐसे, थोड़ा सा छोटी कम जगह होने के कारण इसको मैं छोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हो, बिल्कुल सर ऐसे बना सकते हो। देखो आप इसमें देखो कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने कॉर्नर दिख रहा है, बेंजीन में कितने कार्बन है, 6, तो बेंजीन को आप ऐसे ना बनाओ तो ऐसे बना सकते हो, कितने कॉर्नर दिख रहा है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना, बेंजीन को ऐसे बना सकते हैं लेकिन बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे, बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है सर, कार्बन और हाइड्रोजन। इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रख लेना आज के बाद कि बेंजीन में प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, प्रत्येक जगह क्या होता है सर, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। इस विशेष पॉइंट को आपको दिमाग में बना के रख लेना है, ठीक है ना। चलो बेंजीन को ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं बनाना तो डायरेक्ट ऐसे बना दो, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बेंजीन में क्या लगता है, एक छोड़ के, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे इसको छोड़ देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, समझ गए। अब ऐसे नहीं करना चाहते तो कैसे करें, तो मेरे भाई एक और तरीका है, ठीक है, ऐसे बेंजीन बनाओ, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाना है, आप एक छोड़ के लगाना, जैसे मान के चलो आपको यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं लगाना, तो आप डबल बॉन्ड यहाँ से लगाओ, यहाँ लगाओ इसे छोड़ दो, यहाँ लगाओ इसे छोड़ दो, यहाँ लगाओ, कैसे भी लगाओ एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाओ। अब ऐसे भी नहीं करना चाहते सर, हमें डबल बॉन्ड लगाना ही नहीं है बेंजीन में, तो भी आपका एक तरीका है, तो भी आपका एक तरीका है, क्या तरीका है, तो सर इसका तरीका ये है कि बेंजीन में यदि आप डबल बॉन्ड नहीं लगाना चाहते हो तो इसको बैलेंस करने के लिए बेंजीन के अंदर एक रिंग बना देना, एक जीरो बना देना, यूं कहें, है ना, बेंजीन को बैलेंस करने के लिए उसके अंदर क्या बना देना, एक रिंग बना देना, एक जीरो बना देना, यूं हम कहें आपसे, समझ गए ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपकी सब क्या है, बेंजीन, बेंजीन ऐसे कोई नहीं बनाता, ये तो हमने बेंजीन का आपको वास्तविक रूप दिखा दिया, बट ऐसे कोई नहीं बनाता, ये वास्तविक रूप है बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन को ऐसे ऐसे या फिर ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और चीज़ों को याद रखो, है ना, ये हमारा बेंजीन हो गया। अब बेंजीन अगर हमने पढ़ाई है तो एक चीज़ और याद रख लो मेरे भाई, जो बेंजीन होती है ये आपको क्या दिख रही है, बेंजीन, ठीक है ना, ये आपको दिख रही है बेंजीन। एक विशेष बात को याद रखना, बेंजीन में ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ठीक है ना, तो यहाँ बना देता हूँ मैं, है ना, यहाँ बना देता हूँ, ये आपका क्या है, बेंजीन है, बीच में जीरो, ठीक है। बेंजीन का ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है सर ऑर्थो, क्या कहलाता है, ऑर्थो, ध्यान रखना। इस वाले भाग को बेंजीन के हम क्या बोलते हैं सर, ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले भाग को भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो, मतलब ये वाला और ये वाला भाग क्या होता है सर, ऑर्थो होता है, ठीक है ना। चलो तो कहें तो ये हम बेंजीन बना रहे हैं, ठीक है ना, ये हम क्या बना रहे हैं, बेंजीन, ठीक है, ये अच्छा सा हम एक पहले पुतला बना देते हैं, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये हमने बना दिया पुतला, ये इसके कान हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इसके बाल होंगे, ठीक है ना, ठीक है, बाल बना देना, कैसे ही बना दो, ठीक है। चलो तो कंधा, ये कंधे होते हैं ना, ये हमारे कंधे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये कंधों पर क्या होता है सर, इसमें अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला भाग, इसके बाद कौन सा वाला भाग, ये, तो यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन को कहते हैं यहाँ और यहाँ वाले भाग को मेटा कहते हैं, क्या बोलते हैं सर, मेटा, तो ये वाला भाग मेटा और ये वाला भाग मेटा, ये वाला ऑर्थो। अब लेकिन ये वाला जो भाग बचा, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग बेंजीन का कहलाता है पैरा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर इसके ये पुतला बना हुआ है, तो यहाँ पर पैर होंगे, क्या होंगे सर, पैर, और पैरों पर क्या होता है, पैरा होता है,
ठीक है। तो बेंजीन में इस विशेष पॉइंट को भी याद रखना कि यहाँ कंधों पर अर्थ होता है, ये कमर होती है, यहाँ पर कमर ही होगी ना भाई, कमर होगी ना, है ना। तो कमर पे क्या होता है सर, मैटा होता है, और पैरों पर क्या होता है सर, पैरा होता है, ये बेंजीन, ठीक है। तो ये वाला भाग ऑर्थो वाला, ये मैटा वाला और ये पैरा वाला, ऐसा इसमें याद रखना, ठीक है। ये कौन सा, ऑर्थो, ये मैटा और ये पैरा, ठीक है। ये बेंजीन में विशेष बात याद रखना, ठीक है। अब सर मैं इतना 8-10 मिनट से आपको चिल्ला रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहा था, कारण ये था कि मेरे भाई कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, हमने बोला था ना लाखों हैं कार्बनिक यौगिक, हमने बोला था ना कार्बनिक यौगिक लाखों हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों हैं कार्बनिक यौगिक। तो मैं इसलिए बता रहा था मेरे भाई, किस लिए, क्योंकि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक होता है मेरे भाई, वो कार्बनिक यौगिक एल्किल या बेंजीन समूह से बना होता, इसलिए मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, इतना मेरा चिल्लाने का कोई ना कोई उद्देश्य था, ठीक है। तो कोई भी जो कार्बनिक यौगिक होता है, उस कार्बनिक यौगिक में या तो एल्किल समूह जुड़ा होता है या बेंजीन समूह जुड़ा होता है। बेंजीन का दूसरा नाम है एरिल, बेंजीन का दूसरा नाम क्या है सर, एरिल, और बेंजीन का तीसरा नाम क्या है सर, बेंजीन का तीसरा नाम है फेनिल, ठीक है ना, इसको याद रखना, ठीक है। बेंजीन का पहला नाम बेंजीन, दूसरा नाम एरिल, तीसरा नाम फेनिल, इसको याद रखना, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं क्रियात्मक समूह पे। तो हमारा सर क्रियात्मक समूह क्या है उसको बात कर रहे हैं, ठीक है, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले एक चीज को समझो, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, दुनिया का कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, वो कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है। वो कार्बनिक यौगिक कितने भागों से मिलकर बना होता है सर, दो भागों से मिलकर बना होता है। जैसे आपको बताते हैं, वन मिनट मेरे भाई, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई CH3OH, ये मैंने कहा कार्बनिक यौगिक है, तो ये कार्बनिक यौगिक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इस कार्बनिक यौगिक में दो भाग हैं, कितने भाग हैं सर, दो भाग हैं, कितने भाग हैं, दो भाग, एक भाग ये है और एक भाग ये है, इसमें दो भाग हैं, एक भाग ये है और एक भाग ये है, ठीक है। चलो इसके बाद मैंने लिख दिया बेंजीन के ऊपर OH, ये एक कार्बनिक यौगिक। इस कार्बनिक यौगिक में भी सर दो भाग हैं, एक भाग आपका ये है और दूसरा भाग आपका ये बेंजीन वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया C2H5CN, मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3CHO, मैंने यहाँ पर लिख दिया बेंजीन के ऊपर Cl, यहाँ पर दिख रहा है, एक मिनट, हाँ एक सेकंड नहीं देख रहा यार, ठीक है ना, चलो एक मिनट छोटा करते हैं इसको, है ना। बेंजीन के ऊपर Cl, मैंने यहां पर लिख दिया बेंजीन के ऊपर OH, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा, ये मैंने सब भाई कार्बनिक यौगिक लिखे हैं, मैंने सब क्या लिखे हैं सर, कार्बनिक यौगिक लिखे हैं, और आप इन कार्बनिक यौगिक को देख लो कि दो भागों से मिलकर बने हैं, ठीक है, ये दो भागों से मिलकर बने, एक भाग ये है, एक भाग ये और एक भाग, ठीक है। तो सुनो, कोई भी कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है, कितने भागों से भाई, दो भागों से, जिसमें से एक भाग आपका होगा एल्किल, एल्किल मतलब ये वाला या फिर बेंजीन, ये वाला बेंजीन मतलब ये वाला, एक भाग होगा, कोई भी क्रियात्मक समूह हो उसमें एक भाग तो ये होगा और दूसरा भाग ये होगा। देख लो, इस क्रियात्मक समूह में एक भाग CH3 है मतलब ये वाला है, इसमें देखो एक भाग ये है मतलब ये वाला है, इसमें एक भाग ये मतलब ये वाला, इसमें एक भाग ये वाला, ठीक है। मतलब ध्यान रखना, कोई भी क्रियात्मक समूह दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक भाग को हम बोलते हैं एल्किल, क्या बोलते हैं सर, एल्किल, एल्किल समूह, ठीक है ना, एल्किल समूह, इसमें ये एल्किल समूह है, कौन सा समूह है, एल्किल, ये कौन सा समूह है सर, ये आपका बेंजीन समूह है, कौन सा सर, बेंजीन, इसमें देखो ये कौन सा है, एल्किल, एल्किल, इसमें ये कौन सा है, एल्किल, एल्किल, इसमें ये कौन सा है सर, बेंजीन, बेंजीन, इसमें ये कौन सा है सर,
बेंजीन। आज के बाद मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है एल्किल, एक होता है एल्किल, और जो दूसरा भाग होता है वो क्रियात्मक समूह होता है। दूसरा भाग जो है ना, इसमें दूसरा भाग क्या है, OH, ये आपका क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह। ये वाला दूसरा भाग है, ये क्रियात्मक समूह है। ये वाला दूसरा भाग है, ये आपका क्या है सर, क्रियात्मक समूह, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये वाला भाग क्या है सर, क्रियात्मक समूह। ये वाला भाग क्या है सर, आपका क्रियात्मक समूह। और ये वाला भाग क्या है सर, आपका क्रियात्मक समूह। समझी, तो ध्यान रखना। तो किसी कार्बनिक यौगिक में एक भाग होता है एल्केल या बेंजीन समूह, और दूसरा भाग क्या होता है, क्रियात्मक समूह। तो अब आ जाओ भाई परिभाषा पे, अब आ जाओ भाई परिभाषा पे। तो इसकी परिभाषा क्या है उसको जान लो यार, अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया। तो लिखेंगे, साधारणतः प्रत्येक यौगिक दो भागों का बना हो, दो भागों से बना होता है, जिसमें एक भाग एल्केल या एरिल समूह होता है और दूसरा भाग क्रियात्मक समूह होता है। इसमें हम समझा चुके आपको, ठीक है, समझा चुके, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करो, अतः अतः एल्किल या बेंजीन समूह से, अतः एल्किल या बेंजीन समूह से जुड़े हुए समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। परिभाषा समझ गए, एल्किल या बेंजीन समूह से जुड़े हुए समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो अब आप क्रियात्मक समूह की परिभाषा भी समझ गए, ठीक है। एल्किल समूह से जो समूह जुड़ा है वो क्रियात्मक समूह, बेंजीन से जुड़ा है क्रियात्मक समूह, ठीक है। ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह, देख रहे हैं आप। बेंजीन से जुड़ा समूह क्रियात्मक समूह, बेंजीन से जुड़ा समूह क्रियात्मक समूह, बेंजीन से जुड़ा समूह क्रियात्मक समूह, मतलब ये आपका क्रियात्मक समूह है। कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब एक बात है, एक बात और सिद्ध हो गई। क्रियात्मक समूह से या तो एल्किल जुड़ेगा या एरिल जुड़ेगा, एल्किल जुड़ेगा या फिर एरिल मतलब बेंजीन जुड़ेगा क्रियात्मक समूह से। अब ये क्रियात्मक समूह समझ गए कि क्रियात्मक समूह होता क्या है, ये समझिए। अब क्रियात्मक समूह है कौन कौन से, ये भी तो समझना है ना, हैं कौन से, कितने क्रियात्मक समूह होते हैं वो भी तो समझना, ठीक है। तो उस चीज को हम समझेंगे, तो आइए समझते हैं और सभी क्रियात्मक समूह को है ना देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं सभी क्रियात्मक समूह। देखो आप सभी क्रियात्मक समूह दे के आया हूँ और एक एक को हम समझते चलते हैं, ठीक है, और देखते चलते हैं और उसका नाम क्या है इनको हम जानते चलते हैं। तो मेरे भाई हमारे पास पहला जो क्रियात्मक समूह है, देखो हम क्रियात्मक समूह जान ही गए हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, हम ये समझ गए हैं कि जो क्रियात्मक समूह होता है, हम ये इतना तो जानते हैं कि जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्किल या फिर एरिल समूह से जुड़ा होता है। और एल्किल समूह वगैरह वगैरह ये क्या होते हैं, इनको हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से भाई अध्ययन कर लिया, ठीक है ना, बहुत अच्छे से इन चीज़ों का हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्रियात्मक समूह, ठीक है, यहाँ पर हम दो कॉलम में बात करेंगे, पहले कॉलम में हमारी होगी क्रियात्मक समूह पे बात और दूसरा कॉलम हमारा रहेगा नाम का, किसका रहेगा सर, नाम का, और एक तीसरा कॉलम और हम बना लेंगे जो होगा हमारा प्रत्यय का, ठीक है। तो हमारा पहला क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। देखो हमारा पहला क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड CHO, समझ पा रहे हो ना, सिंगल बॉन्ड CHO, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से मेरे भाई इसमें क्या हो सकता है, एक बॉन्ड लगा हुआ है, देखो इसमें एक बॉन्ड लगा हुआ है इस तरफ, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि इस क्रियात्मक समूह से एक एल्किल या एक एरिल समूह जुड़ सकता है इस तरफ, ठीक है ना। और इस सिंगल बॉन्ड जो हमारा CHO है इसको हम बोलते हैं मेरे भाई एल्डिहाइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड CHO को, एल्डिहाइड। इससे एक एल्किल या एक एरिल समूह जुड़ सकता है इस तरफ, क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। इस एल्डिहाइड इसका नाम है और दूसरा नाम भाई इसका है एल्केनल, क्या है सर, एल्केनल। अब देखना एल्केनल बोल रहे हैं ना इसको, एल्केनल, अगर इसमें हम प्रत्यय निकालने की कोशिश करें कि इसका प्रत्यय क्या है, तो एल्केनल अल प्रत्यय क्या आ रहा है, इसमें प्रत्यय आपको इस एल्केनल से निकालना है, तो प्रत्यय क्या आ रहा है, एल्केनल
अलारायण प्रत्य। तो आप इस बात को याद रखना कि क्रियात्मक समूह सिंगल वर्ण सी एच ओ का जो प्रत्य होता है वो आपका क्या होता है सर, अल होता है। क्या होता है? अल। इस विशेष बात को याद रखना क्योंकि प्रत्य जो है ना, हम जो आयु पी एस सी नाम करेंगे आगे उनमें इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक समूह सिंगल वर्ण सी डबल ओ एच, इसमें भी एक सिंगल वर्ण जुड़ा है ना, मतलब इस तरफ कोई एल के लिए एरल समूह इसमें जुड़ सकता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इसका नाम क्या है सर? कार्बोक्सिलिक। इसका जो सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच है इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक, या फिर इसको हम बोलते हैं एल के नोएक, कार्बोक्सिलिक या बोलते हैं हम इसको एल के नोएक। अगर हम प्रत्य निकालें इसमें तो एल के नोएक मतलब प्रत्य क्या रहा है इसमें, इससे निकालना प्रत्य, तो क्या आ रहा है प्रत्य? ओएक आ रहा है ना भाई, क्या आ रहा है? ओएक। एल के नोएक मतलब ओएक, तो इसका प्रत्य क्या आ रहा है सर? ओएक आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा अगला क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड सीओ सिंगल बॉन्ड। देखो आप इसमें दो सिंगल बॉन्ड लगे हुए, कितने सिंगल बॉन्ड? दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना सा है कि इसमें आपके दो क्रियात्मक समूह जुड़ सकते हैं, एक इस तरफ और एक, सॉरी क्रियात्मक समूह ने दो एल्किल या एरिल समूह जुड़ सकते हैं, दोनों एल्किल जुड़ सकते हैं या दोनों एरिल जुड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ। इसको बोलते हैं हम कीटोन। क्या बोलते हैं सर? कीटोन। अगर इस कीटोन से इसका प्रत्य निकालें, कीटोन, तो प्रत्य क्या आ रहा है सर? इसका ऑन आ रहा है। क्या आ रहा है सर? ऑन आ रहा है। अब प्रत्य की जरूरत कहाँ होती है? तो सर प्रत्य की जरूरत हमें आयु पी ए सी नाम में होती है, तो इन तीन, ठीक है, के प्रत्य में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका सिंगल बॉन्ड ओ एच, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहॉल। क्या बोलते हैं सर? एल्कोहॉल। अब एल्कोहॉल ऑल आ रहा है ना, ऑल, तो इसका प्रत्य क्या है सर? ऑल है। क्या है सर इसका प्रत्य? ऑल, ठीक है ना। तो इन चार क्रियात्मक समूह का प्रत्य आपको बिल्कुल सर ना याद ही रखना है, क्योंकि ये चीज आपको आयुपीएसी जो नामकरण करोगे उसमें बहुत 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 काम आने वाली है। तो इनके आप प्रत्य जो लिखाए हैं चार क्रियात्मक समूह के, इनके याद रखना, ठीक है ना। चलो अब सिंगल बॉन्ड सी एन होगा तो उसको हम बोलेंगे साइनाइड। सिंगल बॉन्ड अगर सी एन की जगह पल्टी कर जाए एन सी आ जाए तो ये आपका आइसोसाइनाइड होगा। सिंगल बॉन्ड एस सी एन, देखो केवल एस बढ़ गया, सी एन तो यहाँ भी था तो साइनाइड था, केवल इसमें क्या बन गया? एस बढ़ गया, तो एस जब बढ़ जाएगा तो इसमें थायो बढ़ जाएगा। एस को क्या बोलेंगे? थायो, और सी एन साइनाइड है ही, तो ये थायो साइनाइड। सिंगल बॉन्ड एस एन सी तो थायो आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलो सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ईथर, CH3C00O सिंगल बॉन्ड एसीटेट बोलेंगे। CH3C00O सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे सर? एसीटेट बोलेंगे। SC00O सिंगल बॉन्ड फार्मेट बोलेंगे। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें जो संयोजकता होती है वो बॉन्ड में बदल जाती है। इनमें ध्यान रखना, जिसके पास जो सिंगल बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है वो उतना ही हमेशा रखेगा, है ना। जैसे सिंगल बॉन्ड सी एच ओ तो हमेशा सी एच ओ के पास सिंगल बॉन्ड ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका आप थोड़ा सा और बताता हूँ, जो आपका सिंगल बॉन्ड सी एच ओ है इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो आपको देखना है। देखो भाई, इसको अगर हम दूसरा तरीका से यूज करने की कोशिश करें तो हम इसको लिख सकते हैं सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जो सी एच ओ है इसको हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं। देखो सी एच ओ है तो एच को हमने ऊपर जोड़ दिया, ओ को यहाँ जोड़ दिया, ओ के पास दो वैलेंसी होती है, ओ के पास दो बॉन्ड होते हैं ना, तो ऐसे हमने कर दिया, ठीक है ना। अब अगर हमें इसको तोड़ के लिखना है तो कैसे लिखें, तो इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं भाई? सिंगल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच, ऐसे इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास C, तो ये C कितने ओ थे? ओ दो थे ओ, ठीक है, तो एक ओ को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया और एक ओ एच बना के जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इनको हम सेम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड एन एच टू को हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। तो मेरे भाई एमीन तो एन को बोलते हैं, एमीन किसको बोलते हैं सर? एन को बोलते हैं। किसको? एन। अब एच क्यों लगा? तो एच तो बैलेंस करने के लिए लगा है, एन की संयोजकता तीन होती है ना, तो एन को बैलेंस करने के लिए लगा है। अगर हम इसके चाहें तो अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं, जैसे मान के चलो एन के साथ यदि हम एक एच देना चाहें, ठीक है, तो हमें इसमें दो बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तीन। तो एक दो, दो बॉन्ड के द्वारा और एक एच के द्वारा तीन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो तीन हो रही, दो एच के द्वारा और एक बॉन्ड के द्वारा। दूसरा, अकेला हम एन लिखें
तो तीन बॉन्ड इसमें लगाने पड़ेंगे। तो इसका भी नाम क्या है सर, एमीन है, और इसका भी नाम क्या है सर, एमीन है। तो इन तीनों के नाम क्या है, एमीन। बस अंतर ये है कि ये आगे आपको मैं समझाऊंगा अंतर इसमें क्या है, ठीक है ना। चलो CH3O सिंगल बॉन्ड, CH3O सिंगल बॉन्ड इसको हम मेथॉक्सी बोलते हैं, C2H5O सिंगल बॉन्ड इसको हम एथॉक्सी बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड Cl क्लोराइड, सिंगल बॉन्ड Br ब्रोमाइड, सिंगल बॉन्ड I आयोडाइड, सिंगल बॉन्ड F फ्लोराइड, और रिंग बेंजीन रिंग के ऊपर C00 अगर है तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइट, ठीक है। बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर C00 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइट। इसमें यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा होता है, ठीक है, इनको याद रखना। और भी कुछ है जैसे एस सिंगल बॉन्ड इसको थायो एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल, बट सिंगल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड है तो ये थायो एल्कोहल होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड HSO3 को हम बोलते हैं सल्फोनिक, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह भाई आप याद रखना, क्योंकि इन क्रियात्मक समूह के बिना तो हम आगे चीज़ों को जान ही नहीं पाएंगे, आगे चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इन क्रियात्मक समूह को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगर इनको याद रख लोगे तो आगे जो है ना हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम पढ़ता है आप सबको, अगर हम क्रम से पढ़ते हैं तो पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।